रारोगढ़ से दीपक बिलरवान की रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने रारोगढ़ में घटी घटना की निंदा करते हुए कहा कि रारोगढ़ के इतिहास में पहली बार कर्फ्यू लगा है, हिंसा इसका उत्तर नहीं है, इस मारपीट की मैं निंदा करता हूँ। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भगवान महावीर, भगवान बौद्ध व महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ की जनता से हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सुनने वालों को उसके लिए धैर्य होना चाहिए, यही प्रजातंत्र की मजबूती है। लेकिन इसका प्रतिशोध हिंसा उसका उत्तर नहीं है। जो कल कुछ असामाजिक तत्वों ने निर्दोष लोगों के घर पर जाके मारपीट की, घर के लिए धैर्य होना चाहिए, यही प्रजातंत्र की मजबूती है। लेकिन इसका प्रतिशोध हिंसा उसका उत्तर नहीं है। जो कल कुछ असामाजिक तत्वों ने निर्दोष लोगों के घर पर जाके मारपीट की, घर तोड़ दिए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और भगवान और हमारे महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चल निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और भगवान और हमारे महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलती है, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। मैं राघोगढ़ की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें, और प्रशासन से मैं इतना ही कहूँगा कि वे किसी दबाव में काम ना करें, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, निष्पक्ष कार्रवाई करें, क्योंकि यदि पक्षपात हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भी होंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, राहुगढ़ के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि राहुगढ़ के इतिहास में पहली बार कर्फ्यू लगा है, हमारे लिए शर्म की बात है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखें। नर्मदे हर।